बेटे नशे का आदि हो जाए तो परिवार हो जाता है बर्बाद। आमजनों को जागरूक करने बेटा बचाओ अभियान अंतर्गत सभा का आयोजन दिघोरी ग्राम में किया गया। लांजी मुख्यालय अंतर्गत ग्राम दिघोरी में ग्राम पंचायत दिघोरी के प्रांगण में सोमवार को नशा हटाओ बेटा बचाओ के तहत जिला पंचायत सदस्य ज्योति ईश्वर उमरे के नेतृत्व में आमजनों को जागरूक करके बेटा बचाओ अभियान अंतर्गत सभा का आयोजन किया गया। इस अभियान में सभी वर्ग के लोगों ने उपस्थित होकर सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य ज्योति ईश्वर उमरे ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम व क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का है। जब तक पहल नहीं करेंगे तब तक अपने गांव को अपने क्षेत्र को नशा मुक्त नहीं बना सकते। सौभाग्य की बात है कि मेरा गांव मेरा परिवार है, यहां से नशा मुक्त कराने की पहल की गई है। नशे के कारण बेटा बिगड़ जाए तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। मैडम जी आपका परिचय। मैं श्रीमती ज्योति ईश्वर उमरे, मैं जिला पंचायत सदस्य बालाघाट और मेरा एक अभियान भी चलता है नशा हटाओ बेटा बचाओ, जैसे मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। जैसे दिघोरी में आज कार्यक्रम है आपका बेटा बचाओ नशा हटाओ का, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी जनता से ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में जो बेटा बचाओ अभियान जो मैं चला रही हूँ, इस आंदोलन में आप सभी लोग सहभागिता है, इस आंदोलन में सहयोग करें, क्योंकि हर किसी का बेटा है और जो कल की नींव जिसको हम कहते हैं, अगर वही सही नहीं होगा तो हम कैसे राष्ट्र को और अपने गांव को अपने घर को अपने परिवार को कैसे बचाएंगे। इसलिए सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में भाग लीजिए और अपने गांव को ग्राम को नशा मुक्त बन करके अपने क्षेत्र को अच्छा बनाइए। कार्यक्रम मैडम आपके द्वारा हमेशा चालू चलता रहेगा, हमेशा चलते रहेगा जी। ठीक, बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस ग्राम पंचायत से मुझे आप लोगों ने अपना भरसक स्नेह और प्यार दे करके मुझे जिला पंचायत में भिजवाया। मैं आप लोग समस्त लोगों का आभारी हूँ। मैं आपके जनहित में जो भी काम होंगे मैं हर समय तत्पर रहूंगा। मैं समस्त जनता जनार्दन से मैं सब लोगों का मैं दुलीप चंद राजनीरे, मेरा निवास स्थान कुमारी कला है, मेरे ओर से नमस्कार जयराम जी की। बंधुओं, ये नशा मुक्ति वाला कार्यक्रम जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संकल्प था कि मैं इस देश को नशा मुक्ति करवाऊंगा, नशा से मुक्त करवाऊंगा। ये संकल्प हमारे महात्मा गांधी जी का एक संकल्प था, परंतु हम लोग उनके पदचिन्हों पर नहीं चल सके और इस नशा के शिकार सारा देश आज नशा के शिकार में पड़ा हुआ है। आज यहां तक कि हर परिवार में चाहे कोई भी परिवार का सदस्य है वो नशा से ग्रसित है। ये नशा हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से, हमारे जिले से और हमारे प्रदेश से ये नशा जो कार्यक्रम है ये निष्कासित होना चाहिए, नशा से मुक्त होना चाहिए। चाहे कोई भी परिवार हो, कोई भी परिवार का सदस्य है, आज इस 2016 से बेटा बचाओ अभियान जब से इन्हें चालू किए तब से हमारा ये उद्देश्य था कि हमको समाज हित में काम करना है, तो राजनीति में हमको नहीं भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन समाज में सुधार आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस समाज से नशा को दूर भगाना पड़ेगा। अब नशा भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो अपने परिवार को सुधारना है, तो बिगड़े हुए को तो आप सुधार नहीं सकते, लेकिन बिगड़े ना, इसीलिए ये शुरुआत की है बेटा बचाओ अभियान की।
फिर हमको तकलीफ ये आना चालू हुआ, जैसा आज आप डिगोरी में आए, तो डिगोरी में जनप्रतिनिधि बन के आए तो आप लोग इतने लोग इकट्ठा हो गए, सरपंच आ गए, बीडीसी महोदय आ गए, यहाँ के जिला पंचायत मेंबर महोदय आ गए, लेकिन बिना अगर जनप्रतिनिधि के अगर आते आज मैडम, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 20-25 लोग आते हैं और बोलते मैडम हमने बहुत प्रयास किए है लेकिन हमारा गांव नशा मुक्त हो ही नहीं रहा है। तो मुझे हमें ऐसा लगा कि जनप्रतिनिधि बनने से बहुत आसान है आपका गांव को नशा मुक्त करने के लिए, आपको आसानी जाएगी, इसीलिए जिला पंचायत मेंबर 2007 नंबर से भानेगांव से आप बने। आप जब भाषण देते थे तो ये बोलते थे कि मैं शराबबंदी के लिए आई हूँ, कई लोगों ने ये बोला कि आप शराबबंदी का नाम लेंगे तो लोग आपको हरा देंगे, उसके बाद में उसका फिक्र न करते हुए अब शराबबंदी के लिए आप जिला पंचायत मेंबर बने। आज बेटा बचाओ अभियान सिर्फ हमको ही नहीं चलाना है, मेरे दो बेटियां हैं, आपको अपने बेटे को ये पूछना है, एक तो सरकार से शराब बंद करके बेटा बचाओ अभियान चलाना है और दूसरा आपको अपने बेटे के अंदर ऐसे संस्कार देना है कि वो नशे की तरफ ध्यान न दे। आज क्या हो रहा है, बेटी जा रही है बाहर तो हम ये पूछ रहे हैं कि बेटी तू 12 बजे भी जाएगी तो रामवती बाई क्या जाइए, उसकी सहेली क्या जा रही है, तो हम ये पूछते हैं कि बेटी तेरे यहां मेरी बेटी आई है क्या, 10 बार फोन लगा के पूछते हैं भाई सहमति भाई मेरी बेटी आई है क्या, लेकिन बेटा जब जाता है 6 बजे के बाद भी तो हम एक शब्द ये नहीं पूछते कि बेटा तू कहां है और 6 बजे के बाद क्यों जा रहा है।